चार दिवसीय गढ़वाल दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने किसान नीति, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने त्रिवेंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन राज्य की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। साथ ही उन्होंने इस दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। गुरुद्वार आया हूँ, गुरुद्वार के बाद जो है रात्रि चलते रात्रि विश्राम जो है पौड़ी में करूँगा, वहाँ से श्रीनगर, श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, त्रिकोण प्रयाग, रात्रि विश्राम से वो कुछ होते हुए जो है जितना तक जाएंगे बहुत वापसी है। जहाँ तक आपने कहा कि एक्जुट कैसे करेंगे, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस एकजुट है। और कई बार आपको लगता है कि जब लोग अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि कांग्रेस में एक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति समर्पित है, इसमें कोई संशय कोई मतलब है। 2022 का चुनाव होगा, आपने आप लहर देखी होगी, ये हमारे केवल दो दिन में ही महिलाओं की बारी आई थी, महिलाओं को बोला था हमने, दो दिन क्या ही केवल समय मिला था हमें, दो दिन में आपने देखा है कितना उत्साह था महिलाओं में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को दोबारा लाने में कितना महिलाओं का भी योगदान होगा। हमारी महिला शक्ति, हमारी मातृशक्ति, जो अभी अध्यक्ष जी भी बोल के कहें, अगर मातृशक्ति एक हो जाए तो किसी भी पार्टी को कोई आने से नहीं रोक सकता। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।